हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फैब्रिक का मैं ये शर्ट बनाने वाली हूँ, इसको डबल स्टड बोलते हैं। इसके लिए मैंने रेड और वाइट कलर लिया है और इसको मैंने दो पत्तियाँ इसकी बनाई हुई हैं। ये कुछ इस तरह शर्ट्स आएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। इसके लिए हम हाफ कलर ही लगाएंगे। इसको पहले हम ब्रश से पूरा इसका जो है जिसकी आउटलाइन है उसको हम बना लें ताकि हमारा कलर इधर उधर ना जाए। अब हम बीच में इसको कलर को भर देंगे। इसको कलर पूरा हमने लगा दिया है। अब इसके बाद हम वाइट कलर लगाएंगे। जो हाफ फ्लावर की जो पत्ती बची है उस पे हम अब वाइट कलर भरेंगे जैसे हमने रेड कलर को लगाया। पहले हम आउटलाइन बना लेंगे। फिर हम बीच में कलर को फिल कर देंगे। ये हमारा कलर। अब हम इसका शेड देंगे। ये बीच में जो हमने दो कलर, इसी बीच की जगह से हम कलर को, ताकि ये ना लगे कि हमने कलर हाफ हाफ लगाया है और वो कलर दिखना बंद हो जाए, थोड़ा सा वाइट कलर हम अपनी ब्रश पे हम थोड़ा सा वाइट कलर लेके फिर हम ऐसे करते हुए पूरी पत्तियों पर हम इसको बिल्कुल मिला देंगे ताकि ये ना लगे कि हमने कलर इसके ऊपर से, जब हम सेट देंगे तो ये काफ़ी अच्छा कलर इसमें आ जाएगा और इसको हम बनाते चले जाएंगे। जहाँ हमने कलर लगाया है उस जगह पे थोड़ा सा हम अब हम इसी तरह हम दूसरी पत्ती बनाएंगे। अब हम फिर दूसरी पत्ती को बना रहे हैं उसी तरह जैसे पहले बनाया। पहले हम हमेशा आउटलाइन करेंगे ताकि हमारा कलर बाहर की ओर ना जाए। और हमको हाफ लेना है, इसी में हम अपना कलर भर देंगे। इसके लिए मैंने 6 नंबर का ब्रश लिया है। कलर को भरने के बाद अब हम वाइट कलर लेंगे और आधी जो हम जगह पे हम हमेशा हम पहले आउटलाइन ही अपना हम बनाएंगे। अब कलर को हम इसमें भर देंगे। अब हम जहाँ से हमने कलर को हाफ किया है उसी जगह पे हम ब्रश को करेंगे ताकि कलर ये ना लगे कि अलग अलग है दोनों कलर, कलर एक जैसा लगने लगे। थोड़ा सा हम वाइट लेंगे और फिर इसको हम अपनी पूरी रेड कलर की जो पत्ती है उस पर हम लगा देंगे। और जहाँ हमने कलर लगाया उस पर हम ब्रश 2-3 बार चलाएंगे ताकि हमारा बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत देखने में भी अच्छा लगता है शेड।
अब हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी आउटलाइन भी कर दी, उसमें मैंने कोई आउटलाइन में कोई कलर नहीं मिलाया, वही रेड कलर से किया है। और ये एक इसकी पत्ती भी मैंने बनाई है। अब दूसरी पत्ती हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए जैसे हमने फ्लावर को हाफ़ कलर लिया था, उसी तरह इसको भी हम हाफ़ कलर लेंगे और फिर उसका कलर हम भरते चले जाएंगे। कलर को हम भर दिए हैं। अब हम वाइट कलर इसमें लगाएंगे हाफ। पहले हम आउटलाइन ही इसकी बनाएंगे ताकि कलर हमारा अच्छे से उसकी फिनिशिंग आए। अब हम बीच में कलर को भर देंगे और जैसे हमने फ्लावर में सेट दिया था, सेम उसी तरह हम इसको भी सेट देंगे। बिल्कुल ज़रा सा हम वाइट कलर लगाते हुए इसको हम, ताकि हमारा कलर ये ना लगे कि अलग अलग है। और हम इस तरह पूरी पत्ती पर और जहाँ बीच में हम ब्रश को दो तीन बार कर देंगे ताकि दोनों कलर ये लगे कि हाँ ये ये हमारी पत्ती कंप्लीट हो गई। अब जब हम आउटलाइन करेंगे तो हमारी पत्ती कुछ इस तरह दिखेगी। एवरीवन, ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया पूरा। और इसको मैंने ब्लू और वाइट से सेट दिया है। ये रेड और वाइट है। आपको मेरा सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Thank you watching for my videos.